The 26 parties attending the opposition meet in Bengaluru have unanimously decided to name their alliance the Indian National Developmental Inclusive Alliance, or India from UPA. Meanwhile, the NDA meet headed by Prime Minister Narendra Modi and BJP National President JP Nadda was also underway. The United Progressive Alliance, UPA, will now be known as the Indian National Developmental Inclusive Alliance, or India. In a joint declaration, the parties pledged to present the nation with an alternative political, social and economic agenda. The alliance is set to begin working on a strategy for the 2024 Lok Sabha elections, where it hopes to defeat the NDA. Our alliance will be called the All People Have Agreed to Have One Name for the alliance. Earlier we worked with UPA, now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. Ye ladai opposition aur BJP ke beech mein ladai nahi hai. देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया। इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेज्ड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। इकोनॉमी बर्बाद कर दी इन्होंने, रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। The NDA is also gearing up for the 2024 Lok Sabha elections. The NDA meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi and BJP National President JP Nadda, consisting of 38 parties, is underway in Delhi. Prior to the meet, PM Modi declared the NDA a time-tested alliance. Manish Parab and Nikhil Zalmi for Goa 365.